हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर फार्माकोविजिलेंस, इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 का आज का हमारा 3rd लेक्चर होगा। इसमें हम स्टडी करेंगे क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लगभग स्टूडेंट्स जानते होंगे कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, पहले भी आपने स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में दे रखा है तो इसका ओवरव्यू हम जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल फेज क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था प्री क्लिनिकल फेज। तो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल में क्या डिफरेंस हो गया? प्री क्लिनिकल मतलब ये हो गया कि क्लिनिकल ट्रायल में आने से पहले की प्रोसेस हो गई प्री। तो उसके अंदर क्या होता है कि एनिमल प्रोडक्ट और जो एनिमल मॉडल्स हैं उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है ड्रग की, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल ट्रायल में बेसिकली ह्यूमन और पेशेंट पे जो ड्रग है उसकी टेस्टिंग की जाती है बाय साइंटिस्ट। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल आर कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट ऑन हेल्दी एंड सम डिजीज पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट्स की केयर को इंप्रूव करने के लिए ये टेस्टिंग वगैरह की जाती है। अब जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके अंदर बेसिकली जो मेन फेज होगी वो होगी 1, 2, 3, 4 फेजेज होगी, लेकिन एक जीरो फेजेज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है, जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ एक दो प्रोसेस होती है, उसको जीरो फेज के अंदर एड कर दिया। तो ये टोटल 5 फेजेस हो गई, वैसे मेन हो गई 4। तो जीरो फेज में क्या है, स्टडी ऑफ न्यू ड्रग इन माइक्रोडोज। माइक्रोडोज इसकी ली जाएगी, जिसे आइडेंटिफाई कर लेगी कितनी डोज अफेक्टिव हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, टू डिराइव फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन। जो फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन है कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज करना है इन ह्यूमन बिफोर अंडरटेकिंग फेज फर्स्ट स्टडीज इज कॉल्ड फेज जीरो। कि फेज फर्स्ट में जाने से पहले जो स्टडीज की जाती है ह्यूमन के अंदर, उसको हम बोलेंगे फेज जीरो। अब आ जाते हैं हमारी मेन फेज, फेज फर्स्ट पे। फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट स्टेज होगी ये, डिजाइन टू असेस द सेफ्टी, टोलरेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग। इसके अंदर बेसिकली जो सेफ्टी है, टोलरेबिलिटी है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है, उसके बारे में स्टडी की जाएगी। कि आप सभी जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। इसके अंदर बेसिकली 22-25 हेल्दी वॉलंटियर्स का यूज किया जाता है, उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, ज्यादा पीपल्स इसके अंदर यूज नहीं होते हैं। ड्यूरेशन होता है इस स्टडी का 6-12 मंथ, याद रखना इसको। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है हमने, क्योंकि इतना वो नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये आता है, बस आपको रिमेंबर करवाना है। फेज सेकेंड, इसमें क्या होगा, थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके, थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल कौन सा है, तो फेज सेकंड आप लिख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली 22-300 सब्जेक्ट्स, ह्यूमन सब्जेक्ट्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखना, कितने वॉलंटियर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, टू कंफर्म इफेक्टिवनेस, मॉनिटर साइड इफेक्ट, सेफ्टी। इसके अंदर बेसिकली मॉनिटर किए जाते हैं सेफ्टी, साइड इफेक्ट्स इत्यादि। एंड इसका ड्यूरेशन होगा 6 to 7 years, तो ये भी आप याद रख लेना। फेज थर्ड है, इसके अंदर क्या होगा, थेरापेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल। ये क्या था, एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, ये है कंफर्मेटरी ट्रायल। ये लार्ज स्केल पे होगा, मल्टी सेंटर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। टारगेट पॉपुलेशन इसके अंदर 100 to 3000 पेशेंट इसके अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे। टेक ए लॉन्ग टाइम, इसके अंदर काफी टाइम लग सकता है, अप टू 5 years। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सी ऐसी फेजेस के अंदर 5 years तक टाइम लग सकता है, तो फेज थ्री। फेज फोर्थ, फेज फोर्थ में है और लास्ट फेज होगी, ये होगी, इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कौन सी फेज के अंदर होता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं जो लास्ट फेज होगी फेज फोर्थ, डन आफ्टर ड्यूरिंग डन आफ्टर ड्रग हैज बीन मार्केटेड, मार्केट में आने के बाद डन होती है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इसको बोल सकते हैं। वो फिक्स्ड ड्यूरेशन, पेशेंट पॉपुलेशन, और इसकी जो स्टडीज है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, जब तक ड्रग मार्केट में होगी। जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है, क्लिनिकल ट्रायल 4 स्टेज है, वो चलती रहती है, उसके ऊपर फर्दर स्टडीज, जिससे कि जो भी ड्रग है यूज की जा रही है उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस,
ऑब्जर्व करी जा सके। तो एक एक लास्ट ये फेजे है जो लाइफ टाइम चलती रहती है जब तक ड्रग मार्केट में आती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।